नमस्कार आदाब, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं सैफी 24 न्यूज का हमारा ये खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। अब पार्टी के विधायक दीपा चंद्र हरंगकावली ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया है। इस साल राज्य में गठबंधन को छोड़ने वाले सातवें और बीजेपी छोड़ने वाले चौथे विधायक हैं। दीपा चंद्र ने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टी नेताओं को इस तरह से इस्तीफा देना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वही दीपा एक आदिवासी नेता है और वह त्रिपुरा के उनाकोटी जिले में करंचरा विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी विधायक ने मीडिया को बताया कि आज मैंने विधायक के रूप में अपना इस्तीफा विधानसभा के सचिव को सौंप दिया है, क्योंकि अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती मौजूद नहीं थे, मैंने व्यक्तिगत आधार पर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक अपने अगले कदम के बारे में फैसला नहीं किया है, लेकिन निश्चित रूप से राजनीति में रहूंगा, क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं। राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हरंगकावाल ने 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। वही बीजेपी प्रवक्ता सुब्रत चक्रवर्ती ने पीटीआई भाषा को बताया है कि हरंगकावाल लंबे समय से बीमार थे, उनका अपना काम नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि इसमें आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी विधायक के साथ राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष कुमार शाह ने भी उन्होंने बताया कि इस साल की शुरुआत में बीजेपी विधायक के रूप में वह इस्तीफा दे दिए हैं। बता दें कि इसके साथ ही इस साल बीजेपी ने अपने चार विधायक खो दिए हैं। शाह के अलावा विधायक सुदीप राय बर्मन और बुरमो मोहन त्रिपुरा से भी इस साल की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था। वही तुरबा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक आशीष दास को उनके कथित कदाचार के लिए आयोग घोषित कर दिया गया था। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को खटक इंजीनियर्स पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने भी अपने तीन विधायक धनंजय त्रिपुरा, कृष्ण के देववर्मा और मेवार कुमार जमातिया को खो दिया है। वही धनंजय त्रिपुरा को मेवार कुमार जमातिया के इस्तीफे स्वीकार से ये स्वीकार कर लिया है, लेकिन कृष्ण केशु को प्रतिक्रिया के दोष के कारण आयोग घोषित कर दिया था। सार संसदीय विधायक में बीजेपी के 34 विधायक हैं, जबकि उनकी सहयोगी आईपीएफटी के 5 हैं। वही कांग्रेस के 1 विधायक और माकपा के 15 विधायक हैं, जबकि 5 सीटें अभी भी खाली हैं। बता दें कि बीजेपी के ये छठे विधायक हैं जिन्होंने आज अपने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद बीजेपी को त्रिपुरा में एक बड़ा झटका लगा है। आने वाले समय में ये विधायक किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं ये वक्त ही बताएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए देखते रहे सैफी 24 न्यूज़।